उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में घर पर सो रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद हत्यारोपी उनके घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास करने लगे। सूचना के करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक भीड़ अपना सब्र खो चुकी थी और बेकाबू भीड़ ने लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्यारोपी को मार डाला। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना अंतर्गत रामपुर बंगरा निवासी सुधीर सिंह पुत्र मोहर सिंह सीमावर्ती बिहार में शिक्षक थे। सोमवार की सुबह 8 बजे के करीब स्कूटी से आए अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर उन पर फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के अनुसार सुधीर को सोते समय हमलावर ने 3 गोलियां मारी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर ने शिक्षक के घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंचे। उन्होंने हमलावर की घेराबंदी करके पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस लगभग डेढ़ घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर हमलावर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। गुस्साई भीड़ हमलावर के ऊपर टूट पड़ी। आक्रोशित ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर हमलावर को मार डाला। सुजान के ग्राम रामपुर बगरा में आज सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति नीली स्कूटी से सुधीर कुमार सिंह के घर पर आया और उसने उनके बड़े भाई राजेश सिंह का अपने को मित्र बताते हुए उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। सुधीर सिंह उस समय स्नान कर रहे थे, परिवार में महिलाएं थीं, उन्होंने बैठाया, उसे चाय पिलाई। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकल कर बाहर भागता तब तक पास पड़े उसके लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। वो घर के अंदर घुसा, वहाँ से छत पर चढ़ गया। गांव की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और छत पर उसके पास लोडेड पिस्टल थी जिससे वो फायर कर रहा था। किसी ने 112 पर सूचना दी। थाना अध्यक्ष तरिया सुजान अपनी फोर्स के साथ वहां जब पहुंचे तो लोगों ने बताया कि मकान की छत पर चढ़कर बदमाश फायर कर रहा है। दूसरे मकान की छत पर पुलिस चढ़ी और उसे आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। उसने जवाबी फायर किया। पुलिस ने भी उसका उत्तर फायर से दिया जिसके बाद वो किसी समय वहाँ से छत से भाग करके फिर नीचे आया और एक कमरे में अपने को बंद करके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नीचे भीड़ पर्याप्त थी, घर के अंदर भी लोग घुसे हुए थे। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुँचा है, भीड़ ने उसे दरवाज़ा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।